दोस्तों कबूतर खोले हुए हैं और वो देखे बटेर को भी खोला हुआ है और ये वाइट वाला बटेर है दोस्तों, इसने पहले भी उसको मारा है, वो जो आ गया है दोस्तों ये पुराने बटेर हैं और वो फीमेल है। तो दोस्तों वो देखें इसके पीछे कैसे लगा हुआ, फिर से पहले भी इसकी आंख में मारा है और अब फिर उसके पीछे लगा हुआ है, वो देखें दोस्तों अभी भी उसके पीछे है दोस्तों, ये देखें उसको, वो देखें कैसे उड़ उड़ के इधर उधर जा रहा है। दोस्तों इन तीनों को मैंने खोला था ये कबूतरों के साथ खा लें, क्योंकि दोस्तों अब मैंने यही सोचा था कि जब कबूतरों को खोला करूँगा तब बटेरों को भी खोल दिया करूँगा ताकि ये भी खा लिया करें साथ और थोड़ा घूम फिर लिया कर। एक बटेर नीचे रह गया, वाइट वाला वापस चला गया दोस्तों, वो देखें अपनी फीमेल के पास जाके खड़ा हो गया और कबूतर मज़े से अपना दाना खा रहे हैं। और दोस्तों आपको दिखाऊँ, अच्छा अभी तक वो निकला नहीं, मुझे उसका ही वेट है, मैं उसको देखता हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये देखें माशाल्लाह बच्चे बाहर भी आ रहे हैं और वापस अंदर भी चले जाते हैं, वो देखें दोस्तों येलो वाला बाहर आया था फिर अंदर चला गया, वो नीचे इनका फादर है दोस्तों, वो बेबी नहीं है। और दोस्तों वो देखें ग्रीन वाला बेबी भी बाहर आ गया, ये देखें दोस्तों ये सामने। और दोस्तों ये देखें हमारे लिए दोस्तों, इसका नाम क्या रखें आप लोग कमेंट में बताएं, इसका नाम हम लोग क्या रखें। दोस्तों कल तो बहुत ज़्यादा डर रही थी लेकिन आज माशाल्लाह ये काफ़ी फ्रेश हो चुकी है, ये देखें आप सामने आके बैठ के, ये देखें दोस्तों गुस्सा कर रही है, ओ एम जी दोस्तों ये बहुत प्यारी है, ये अपना कलर भी चेंज करती है। दोस्तों थोड़ी देर पहले वो फ्लावर के पास गई हुई थी, वो दोस्तों रेड कलर में, और थोड़ा सा इसने अपना रेड कलर किया था, देखें दोस्तों कैमरा पास किया और उसने गुस्से में मुँह खोल लिया। तो दोस्तों ये बटेरों का पिंजरा था पहले और अब हमारी लिजर्ड का पिंजरा, एक कबूतर देखें वो ऊपर चला गया। तो दोस्तों अब देखें बटेर कितने मज़े से दाना खा रहे हैं और इन्होंने तो उसको खाने नहीं दिया दोस्तों, उसको बाहर निकालूं पता नहीं कि दोस्तों वो छुप के बैठा हुआ बेचारा डर के, इसको उस साइड से निकालते हैं। हालांकि दोस्तों ये बड़ा था और ये ज़्यादा सख्त था, लेकिन वाइट वाला दोस्तों ज़्यादा सख्त निकला, उसने तो इस बेचारे को मार के, दोस्तों सही से नज़र भी नहीं आ रहा, मैं इसको पकड़ता हूँ भाग ना जाए, मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा, वो चला गया दोस्तों, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ये पकड़ लिया दोस्तों और इसको अब आराम से तो छोड़ दें। अच्छा ये तो इतना ना, उधर जाओ भाई उधर से खाना, इधर आ भाई इधर, ये देखें दोस्तों जा भाई उधर से खा ले, जा दाना पानी खा ले। वो देखें दोस्तों वाइट वाले ने मेरा ख्याल है फिर देख लिया, ये आ गया दोस्तों, ये देखें इसके काम देखें, वो तो बटेर के पीछे लग गया दोस्तों। अच्छा अब अपनी फीमेल को उसको लग रहा वही है, लेकिन उसको, लेकिन उसने पहचान लिया दोस्तों, फीमेल को छोड़ दिया, वो नीचे चला गया दोस्तों, वो वाला बटेर पिंजरे के नीचे चला गया था, अब उसके पीछे चला गया दोस्तों। इनको लैदा ही रखना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया कि इनको कट्ठे छोड़ दो, ये दाना पानी कम से कम खा ले, नहीं दोस्तों वाइट वाला ज़्यादा सख्त है, ओ एम जी दोस्तों उसके काम देखें, वो दोनों को मार रहा है, फीमेल को भी मार रहा है दोस्तों, वो देखें नीचे चला गया दोस्तों, कबूतर भी इनसे डर रहे हैं, वो देखें ओए, ये देखें दोस्तों वो चला गया वापस। दोस्तों इस बेचारे का कुछ करना पड़ेगा भाई, इधर तो आ, ये देखें दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये आँख इसकी देखें बिल्कुल ठीक है और दूसरे वाले देखें दोस्तों बंद हो चुके हैं, ये मैंने खोल के देखी है लेकिन ये नहीं खुल रही दोस्तों, ये ख़त्म हो गया दोस्तों, ये आँख ही उसने ना ख़राब कर दी है। अब देखें कितने मज़े से, अच्छा अकेले में फ़ीमेल को कुछ नहीं कहता, जब ये वाला मेल आता है ना तब फीमेल को भी मारता है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ, ये देखना इसको मैं छोड़ूंगा, ये छोड़ा और अब देखना, वो देखें दोस्तों अब फीमेल को भी मारेगा और उसको भी मारेगा, वो देखें दोस्तों, वो देखें दोस्तों इनके काम, वो बेचारा जाके छुप गया और वो पीछे ही है, ये देखें दोस्तों, ये हालांकि छोटा था और ये बड़ा था, मुझे लगता था ये ज़्यादा तेज़ है। अच्छा भाई इधर आ जा, अब नहीं, नहीं वो चला गया नीचे दोस्तों, अब नहीं उसे निकालना, ये बड़ा तेज़ निकला दोस्तों, और माशाल्लाह ये प्यारा भी कितना है वाइट कलर में, ये तो चकोर लगती है, ब्रिटेर लग भी नहीं रहा दोस्तों, और ये इनका पैर कन्फर्म हो गया इसलिए दोस्तों ये उसे मारता है। दोस्तों काफ़ी टाइम से तो आपने फिंचज भी नहीं देखी, वो देखें दोस्तों वो पैर बैठा हुआ है, और दोस्तों उसके पाँव के नीचे देखना, वो नेस्टिंग मटीरियल होगा जो दोस्तों जो इनके नेस्टिंग में काम आते हैं, और उसकी गिरा लगी हुई है दोस्तों, ये मेरा ख्याल है अच्छे वाला नेस्ट बनाने लगी हैं। और दोस्तों माशाल्लाह इन्होंने अपनी नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर हूँ, मैं ज़्यादा इन्हें तंग नहीं कर रहा। और दोस्तों वो देखें दोस्तों, ये देखना नहीं नज़र नहीं आ रही दोस्तों, वो देखें शेडो नज़र आ रहा है वो अंदर दोस्तों, वो कुछ के अंदर, तो वो दोस्तों इन दोनों ने लगता है पेड़ बना लिया और इन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया अपना घर, वो चले गए दोस्तों अंदर,
इन्होंने कहीं बच्चे तो नहीं दे दिए हुए दोस्तों, सॉरी अंडे। तो दोस्तों अभी ये भी देखेंगे, लेकिन अब भी नहीं देखना दोस्तों, ये इस तरह ही रहेगा। अगर कुछ चीं चीं छोटी छोटी आवाजें आई तो तब हम देखेंगे दोस्तों बोलने की, अदरवाइज हम नहीं देख रहे। और ये देखें दोस्तों, ये बेबी भी बाहर आया हुआ है। और दोस्तों वो देखें सामने, माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं, पंखा बंद किया हुआ है, इन्हें गर्मी भी लग रही है। और दोस्तों वो देखें दिलबर, दिलबर दिलबर बोला है, पोपेट पोपेट दोस्तों, माशाल्लाह पोपेट भी इसमें बंद है। और दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही, ये पोपेट के लिए बनाया था और पोपेट अब बड़ा हो गया, ये फ्लाई करने लग गया, और अब समझ नहीं आ रही कि पोपेट को हम उसमें पक्का पक्का बंद कर दें या यहाँ पे इस पिंजरे का सेटअप करें, लेकिन फिलहाल मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो मैं कूलर बनाने लगा, मतलब अभी थोड़ी देर तक कूलर स्टार्ट करते हैं कबूतरों को बंद करके। तो दोस्तों कूलर बनाने के बाद हम देखेंगे कि अपने पोपेट का क्या करना है। दोस्तों पोपेट का भी कुछ अच्छा सीन लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये पिंजरा छोटा है, पोपेट इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसका भी हमने कुछ बेस्ट सीन लगाना है, लेकिन अभी नहीं, पहले हम कूलर बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों करेंगे इसका कुछ। और दिलबर और महबूबा तो दोस्तों मज़े से खा रहे हैं। क्या होगा भाई आपको, क्या होगा? ये देखें दोस्तों, ये लोग तो मज़े से खा रहे हैं। कैसे हो दिलबर, ठीक हो? महबूबा आप कैसे हो, ठीक हो? कैट रूम देख के आप लोग डर जाएंगे दोस्तों, कैट रूम में शेर आ गया। आप किधर जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, इतने तेज हो गए, बाहर जाना चाहते हो, शर्म नहीं आती दोस्तों? इसके काम देखें, ये बाहर जाने लगा था, अभी छोटे से हो आप किधर बाहर जाना चाहते हो? तो दोस्तों ये देखें जी, ये शेर आया हुआ है, इतना गंद पड़ा हुआ दोस्तों, कैट रूम की चल रही है सफाई। वो देखें दोस्तों, उनका पिंजरा खुला है, अभी उनके पिंजरे की सफाई चल रही है। नीचे लेबर का पिंजरा हो गया, और नीचे दोस्तों स्नोबेल और कॉफी को कट्ठे बांध किया, उनकी भी सफाई होने वाली है, इनकी भी, मतलब अभी काफी सफाई होने वाली है दोस्तों। अभी तो कमरे की सफाई स्टार्ट की है, सबसे साफ देखें दोस्तों ये है। इसके लिए दुआ करना दोस्तों, ये हमारी बेचारी मिठी थोड़ी सी बीमार हो गई है दोस्तों, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, इसको मैंने मेडिसिन दे दी है। हाँ जी माइकल, ओए बच्चा कहाँ गया, बाहर तो नहीं चला गया, छोटा बेबी कहाँ गया? ये है दोस्तों, मुझे लगा बाहर चला गया, ये है। हाँ जी आपका किधर है दोस्त, किधर है ब्लैको, किधर है ब्लैको? वो है दोस्तों ब्लैको, वो सामने, वो उसकी आईज देखिए शाइन कर रही थी, मतलब लाइट जल रही थी। दोस्तों हम लोग चलते हैं बाहर, कहीं आप लोगों का दिल ना खराब हो रहा हो दोस्तों, खराब मेरा हो रहा है वैसे जी। दोस्तों कूलर बनाने के लिए हमने सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, अब हम ये उतार लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने साइज लेना है। तो जी दोस्तों ये हमने उतार लिया पंखा, और क्योंकि दोस्तों हमने इसका साइज लेना है इस तरीके से, नहीं साइड से। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलर बनाना अपने पार्ट्स के लिए। दोस्तों मोटर हमने साइड पर कर ली है, और मोटर का स्टैंड भी साइड पर कर ली है। तो दोस्तों ये है मोटर, ये हमारा पंखा, इधर ये है इसका पर। तो दोस्तों ये चीज ये लगेगी इधर, इस तरीके से दोस्तों चलेगा ये।
यहाँ पे स्टिक लगेगी इस तरीके से, और इधर लगेगा दोस्तों ये पंखा, समझ में आई ये चीज दोस्तों इस तरीके से। अब समझ आ गई होगी दोस्तों, दोस्तों ये चीज बनने लगी है। तो दोस्तों पंखे के लिए ये लग गए, अब यहाँ से लगेगा पंखा, और अब पीछे लग रही है जाली। दोस्तों जाली के अंदर लगेगा जो कूलर का नहीं होता वो पड़ा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ वो डलेगा। तो दोस्तों जल्दी से हम ये कर लेते हैं, और कूलर हमारा थोड़ी देर में बस तैयार होने वाला है दोस्तों। दोस्तों कितने मजे से सो रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और भाई साहब कितने मजे से वहां पर बैठ के आराम से पढ़ा है। ये देखना पोपट, दोस्तों उसको अपना नाम याद हो गया, मैंने पोपट बोला है। वो देखे दोस्तों क्या कर रहे हो, सो रहे हो? अच्छा सॉरी 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 दोस्तों, मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया। तो चले हम अपना काम खत्म करते हैं दोस्तों, अभी बहुत काम रहता है। चलिए दोस्तों अब बारी है ये रखने की, बड़ी गंदगी फैल रही है तो इसको हम भर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों तैयार हो गई है, इसे हमने लगाना है इस तरीके से अंदर। जी दोस्तों ये देखें, और ये देखें हमारा कूलर बस थोड़ी सी देर है दोस्तों, बस थोड़ी सी देर, मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, मुझे पता है आप उनके लिए देख रहे, बस थोड़ी सी देर दोस्तों जल्दी जल्दी हम काम खत्म करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये तार है ये वाली, इसको काट के दोस्तों नीचे से मतलब ये सुई बना दी है, और दोस्तों इसको पहले जो हमने बाहर जाली लगाई थी यहाँ पे, और अंदर हमने ये बना के लगाया। तो दोस्तों इसको इस तरीके से भेजो सेंटर से, और ये देखिए दोस्तों यहाँ से वापिस, और दोस्तों इसको यहाँ पे गिरा लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दो तीन चार, चार जगह से इसको बांध, ताकि दोस्तों बाद में हम इसको उतार के चेंज भी कर सकें। इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, पक्का पक्का नहीं लगा रहा कि उतार मतलब उतरे ही ना। ये देखें दोस्तों ये देखें दोस्तों पकड़े गए, और इसको खींचे की जरूरत ये है दोस्तों, इसको यहाँ से कट कर दिया। ये देखिए दोस्तों वो भी पकड़ी गई और काम भी हो गया। तो जी दोस्तों आगे हमने ये कवर भी बना दिया है,
पोपट भी बोलने लग गया दोस्तों उठ के, और यहाँ पे अब लग जाएगी जाली ताकि दोस्तों पंखे को हाथ में लग सके। ये देखिए दोस्तों इसे चला के एक दफा देख लें, सामान लगाओ वहां से हिल गया। लग किधर आ रहा है अब नहीं लग रहा दोस्तों, मैंने उठाया हुआ था इसलिए लग रहा था। दोस्तों अभी बहुत काम रहता है, पहले वो कर लें फिर इसको चलाते हैं, बंद कर। तो जी दोस्तों कूलर हमारा रेडी हो गया, और ये देखें दोस्तों पानी वाला पाइप लगा दिया, यहाँ से पानी अंदर गिरेगा। और दोस्तों ये अंदर आपको हॉल नज़र आ रहा होगा, हेलो हेलो दोस्तों, ये हॉल इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कूलर तो बन गया है लेकिन नीचे हॉल कर दिया, पानी कहाँ पर डलेगा। तो दोस्तों पानी डलेगा इसमें क्योंकि ये भी छोटा था ये भी छोटा था, तो दोस्तों समझ नहीं आ रही करूँ क्या। पहले मैंने सोचा इसमें बनाता हूँ, फिर मैंने सोचा इसमें बनाता हूँ, तो दोस्तों इसमें जब बना लिया फिर मुझे याद आया पानी मैं किधर डालूंगा, कूलर तो तैयार हो गया लेकिन पानी किधर डालूंगा। तो दोस्तों फिर सोचा कि ये तो वैसे भी हमने इसके काम में लेके आना था, तो काम करते हैं दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पे ये नीचे पानी डलेगा ऊपर हमारा कूलर होगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से पानी नीचे जाएगा। अब आप सोचते होंगे ये देखिए, ये दोस्तों मैंने खुद बनाया था, जो आपने मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं, परसों बनाया था दोस्तों। ये पंप वाटर पंप दोस्तों, इसको लगाते हैं इस तरीके से ये, अभी इसको कनेक्शन करना है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि कितना पाइप लगेगा। तो दोस्तों इतना पाइप लगेगा, पाइप काट लेते हैं दोस्तों। ये गैस पाइप है तो यही मैं काम में लेके आ रहा हूँ, घर में पड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये देखें पाइप की कटिंग कर ली है, अब हम यहाँ पे ज्वाइंट लगाएंगे पाइप का। ये देखें दोस्तों इस जगह पे ज्वाइंट लगाएंगे पाइप का, और इस तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे आप, यहाँ पे ज्वाइंट लगा के और पानी चलेगा, और पानी दोस्तों जब चलेगा यहाँ से अंदर गिरेगा और पंप के जरिए वापस आएगा। और दोस्तों एक और चीज़ का मसला है, इस तरह कूलर रख तो दिया है लेकिन दोस्तों इसके गिरने का डर है, ये देख रहे हैं क्योंकि आगे वजन ज़्यादा है तो इस तरह गिरने का डर है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने सोचा एक इस साइड पे और एक इस साइड पे हम कील लगा लेते हैं, तो वायर के जरिए इसे बांध लेंगे दोस्तों। इस तरीके से ये फिर मजबूती से रहेगा, गिरेगा नहीं पानी सीधा अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इधर कर लेते हैं, कील लगा लेते हैं, कील लगाने के बाद इसको पहले कवर कर लेते हैं, कवर करने के बाद दोस्तों हम बाकी कनेक्शन करके इसको चला के पानी भर के चला के देखते हैं कि हम कामयाब हुए हैं या नहीं। तो जी दोस्तों सारा बांध लिया है, ये देखें तो दोस्तों सारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रहता है दोस्तों। अब हमने ये लगाना है पंप, तो दोस्तों पंप लगाने के बाद सारा कंप्लीट होगा, तो जल्दी से हम पंप लगा लेते हैं उसके बाद से खत्म। तो जी दोस्तों सारा कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर हम बनाने लगे हैं पानी और टेस्ट करने लगे हैं, मैं गिरने भी लगा था। तो जी दोस्तों इस तरह तो बड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं हम कामयाब हुए हैं या नहीं। पानी भी भर लिया है, और ये पहले गन साइड पे कर लें दोस्तों। चीज बनाते हुए भी इतना टाइम लगता है और बाद में सफाई करते भी उससे ज्यादा टाइम लगता है। और दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा कूलर सही बना या नहीं। तो दोस्तों जी दोस्तों हमारा कूलर चल गया, ये देखिए पानी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा पंप भी ठीक चल रहा है, और दोस्तों कूलर भी ठीक चल रहा है। आगे से बारो साइड पे आके दिखाओ, ये देखिए ये पानी गिर रहा है, हाँ ये पानी आ रहा है दोस्तों। मेरी हाइट ज्यादा है, कूलर की हाइट ये, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी हवा आ रही है, ये देखिए दोस्तों पंखा तो पहले भी ठीक था, हमने बनाया है पंप और ये कूलर,
तो दोस्तों कूलर का पानी एक और तरीके से चेंज भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ से हम, ये देखिए दोस्तों पानी आ गया, इसे वापस अंदर फेंकेंगे और हमारा कूलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दोस्तों अब हमारे परिंदे ठंडे फ्रेश मज़े में। दोस्तों मेरे में एनर्जी इसलिए इतनी ज़्यादा आ गई है कि दोस्तों कूलर मैंने खुद बनाया है और दोस्तों दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, नीचे पानी है ऊपर सारा कूलर का सेटअप है। और दोस्तों ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने ऊपर से भी कवर करके दिखाऊं, ये देखें दोस्तों ये पानी निकल रहा है, ये देखें दोस्तों ये भी गीली हो रही है। दोस्तों ये हमने यहाँ से कवर कर देना तो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और दोस्तों एक और चीज़, ये देखें दोस्तों ये जाली हमने लगानी थी आगे, मतलब इस तरीके से, लेकिन दोस्तों ये जाली है छोटी तो ये पूरी नहीं थी आ रही, इस तरह करके भी देखा है, इस तरह करके भी देखा है। तो दोस्तों सुबह हमने जाली लेके आनी है जो इसके फ्रंट पे लगा दें ताकि कोई चीज़ पॉपेट या कोई और चीज़ इसे लग ना सके। और दोस्तों ऊपर हमने इसका कैप लगा देना है, मतलब इस तरीके से, तो हमारी हर चीज़ इंशाल्लाह सेफ हो जाएगी। और दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरा पॉपेट कूलर कैसा लगा है। लेकिन दोस्तों अब आपको पता चल रहा होगा क्योंकि हाइट जो है इस तरह पता नहीं चल रहा, इस तरीके से दोस्तों पता चल रहा होगा। और दोस्तों अंदर से पानी भी आ रहा है, हल्की हल्की नमी आ रही है। तो दोस्तों मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और हमारे चैनल जू लाइफ को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको आगे आगे मज़ीद बहुत मज़े की चीज़ें मिलने वाली है जिसमें हम बहुत कुछ बनाया करेंगे। तो दोस्तों उस चीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें यार, मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं 1000 होने में, तो दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।